हाय बोलो। हाय। तो आज क्या खिलाने वाली है दीदी हमें? कुछ अलग रेसिपी जो इनके गांव में चलता है। तो किस चीज का रेसिपी है दीदी? चावल के आटे। ओके। तो इस रेसिपी के लिए दीदी ने लिया है धनिया, जिसको कि चॉप किया है, और ग्रीन चिली चॉप कर रही है, एक ऑनियन, और ये है चावल का आटा, है ना? तो ये है चावल का आटा जिसका आज रेसिपी दीदी बनाने वाली हैं। और इसमें क्या डाल रहे हो दीदी? प्याज जो चॉप करके रखा है, बिल्कुल बारी। कितना प्याज डाला है दीदी आपने? एक प्याज और तीन हरी मिर्च, और ये है धनिया चॉप किया हुआ। धनिया की क्वांटिटी भी इसमें बहुत अच्छी खासी लगती है ना। और इसमें क्या डाल रहे हो दीदी? नमक। नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आप, अगर आप तेज खाते हैं तो तेज और कम खाते हैं तो कम डालिए। तो दीदी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद रही हैं, चावल का आटा, जिससे ये गीला ना हो, है ना दीदी? तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले दीदी ने रुमाल लिया है और रुमाल को पानी से गीला कर दिया है। ओहो, ये तो नया तरीका मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, ऐसा भी कुछ होता है। मीनवाइल मैंने तवे को भी चढ़ा दिया है गैस पे, जिससे वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो ये दीदी बन चुका है? हाँ। ओके। देख सकते हैं इसको डाला किस तरीके से है, ये भी एक यूनिक तरीका है डालने का। अब इसको एक बार देखते हैं। अब दीदी पलटाना है ना? ओके। ढकना भी है आप? मुझे देख के ही बहुत अच्छा फील आ रहा है, ये कुछ डिफरेंट मैं खाने वाली हूँ। और दीदी का दूसरा पराठा बोलते हैं दीदी इसको या रोटी? रोटी। अच्छा, इसको रोटी बोलते हैं। ये वाला आपने रोटी बड़ा बनाया है तो ये मैं खाऊंगी। तो ये है पराठा जो दीदी ने बनाया था, जिसको हम बैंगन के साथ और दही के साथ खाने वाले हैं। तो मेरे हनी बनी को ये रेसिपी बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच दीदी, और आप भी जरूर बनाइएगा, बताइएगा कैसा लगा, और दीदी को थैंक यू बोलना नहीं भूलिएगा। और आपको एक बात बताती हूँ, दीदी का नाम बहुत खूबसूरत है, दीदी जितनी अच्छी है इनका नाम है मुनीश। बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक नेम है ना। चलो दीदी बाय तो कर दो। बाय। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग आवर चैनल।